नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल कुक विद प्रियंका में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पनीर को हम लंबे समय तक स्टोर कैसे कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मार्केट से बहुत सारा पनीर खरीद के ले आते हैं और वो बचा रह जाता है, तो हम फिर सोचते हैं इसका क्या करें। अगर आपको पता रहेगा कि इसे स्टोर कैसे करते हैं ताकि लंबे समय तक ख़राब नहीं हो सकता, तो आप आसानी से इसे रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, पनीर ले आए फिर हमें कोई और सब्जी खाने का मन कर जाता है तो पनीर हमारा बचा रह जाता है और पनीर ख़राब होने का डर रहता है, तो फिर हम दूसरा सब्जी जो हमें खाने का मन है वो हम नहीं खा पाते, हमें ज़बरदस्ती पनीर खाना पड़ता है। तो चलिए मैं आप लोग को एकदम आसान से टिप दी जिसका यूज करके आप पनीर को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पनीर को एक या दो दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप पनीर को किसी बर्तन या डब्बे में डालें और उसमें पानी भर दें और पनीर को फिर फ्रिज में रख दें। ध्यान बस इतना रखना है कि पनीर हमारा पूरी तरह से पानी में डूबा हो, नहीं तो वो सख्त हो जाएगा और उस पर खट्टापन भी आ सकता है और उसका कलर भी चेंज हो सकता है। नंबर टू, पूरे हफ्ते अगर पनीर को फ्रेश रखना चाहते हैं तो आप इसे दूसरी तरह से स्टोर करें। इसके लिए आप एक बर्तन में पानी लें, उसमें एक चम्मच नमक डाल दें। अब इस पानी में पनीर को डाल दें और ये ध्यान रखना है कि पनीर पानी में पूरी तरह से डूबा होना चाहिए और इसे ढक दें। इस तरह से आप दो दिन के बाद पानी फिर इसमें से बदल दें और हर दो दिन में आप पानी बदलते रहें। इस तरीके से आप 7 से 10 दिन तक पनीर को अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं और हमारा पनीर भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप पनीर को महीने भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं, सबसे पहले आप पनीर के छोटे छोटे टुकड़े काट लें और इसे आप एक ट्रे में रखकर फ्रीज़र के अंदर रख दें। जब हमारा पनीर बर्फ से की तरह हार्ड हो जाएगा तो आप इसे जिप बैग में डालकर फ्रीज़र में ही रख दें। जब भी आपको पनीर का इस्तेमाल करना हो तो इसे फ्रीजर से निकाल लें और हल्के गुनगुने पानी में इसे डाल दें। पनीर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और आप इसे पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं।